जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आज हम इस वीडियो में फिलिप्स का ड्राई वैक्यूम क्लीनर अनबॉक्स करने वाले हैं। तो ये जो फिलिप्स का जो वैक्यूम क्लीनर है वो है पावर प्रो कॉम्पैक्ट। ये एक्चुअली साइक्लोन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, मतलब जब ये डस्ट को खींचता है ना तो अंदर साइक्लोन बना के एक डस्टबिन चैम्बर में डाल देता है। अदर वैक्यूम क्लीनर से बहुत डिफरेंट है ये। मैं अनबॉक्स करके आपको टोटली दिखाऊंगा इसके फीचर, इसमें क्या क्या उसके एक्सटेंशंस आते हैं, मोटर कैसे काम करता है, सक्शन पावर इसका कैसा है, मतलब सब कुछ ए टू जेड हम देखेंगे इसको अनबॉक्स करके। उसके पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ कि इसका कुछ की स्पेसिफिकेशंस इन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो फिलिप्स की ब्रांडिंग है, यहाँ पे पावर कॉम्पैक्ट है और पावर साइक्लोन 5 पे बेस्ड है। 1900 वॉट का आपको मोटर मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है एक ड्राई वैक्यूम क्लीनर के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है जो कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इसकी भी अदर की स्पेसिफिकेशन लिखी है जो कि है मल्टी क्लीन, जो कि है टाइप 6O और समथिंग समथिंग कुछ दूसरी लैंग्वेजेस में भी लिखा है जो कि आई थिंक सो जर्मन लैंग्वेज में है। और अगर आप यहाँ पे इसको अगर ऊपर से देखेंगे टॉप से तो इसकी की स्पेसिफिकेशन यहाँ ऊपर लिखी है, पावर साइक्लोन 5 1900 वॉट का मोटर है। इसमें एक डस्टबिन चैम्बर दिया है डेडिकेटली जो कि आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। बैग नहीं दिया है इसमें, चैम्बर ही दे दिया है। EPA 10 पे बेस्ड है ये और कुछ एक्सटेंशंस आपको इस टाइप से मिलेंगे और ऊपर भी कुछ शो किए गए हैं, इतने एक्सटेंशंस मिलेंगे और ये आपको वैक्यूम क्लीनर इधर मिलेगा। और अगर मैं इधर से अगर बात करूं तो इधर भी आपको सेम ही मिलेगा जो कि मैंने आपको सामने बताया हूँ। इधर से कुछ इसके एक्सटेंशन दिए गए हैं जो कि बताया गया है कि ये वाला जो एक्सटेंशन है इसको आप मैट वगैरह पे या फिर सोफ़े की गद्दी पे या फिर दरी पे या फिर जो भी मोटी चीज़ रहती है जिसमें डस्ट घुस जाता है निकलता नहीं है उसके लिए यूज़ करना है। और ये वाला नॉर्मल जो ब्रश वाला है टेबल्स के लिए या ग्रिल्स के लिए या फिर जाली वगैरह के लिए यूज़ करना है। और अगर आप इधर अगर देखेंगे तो इधर भी समथिंग कुछ खास नहीं दिए गए हैं, नॉर्मल वही वाली स्पेसिफिकेशंस है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे वैक्यूम क्लीनर मिला है 6800 रुपीज़ में, लेकिन अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस देखें तो आपको यहाँ पे मिलेगा 9995, दैट मीन्स 10,000 रुपीज़ का। तो 10,000 रुपीज़ का ये वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको मिलेगा 7,500 रुपीज़ में, लेकिन मुझे बिग बिलियन डेज में और बिग दिवाली सेल में ये मुझे मिला है 6,700 रुपीज़ में, मतलब उसमें भी मुझे मार्जिन मिल गया। तो मुझे ये बजट में मिल गया ये वैक्यूम क्लीनर और बहुत अच्छा ड्राई वैक्यूम क्लीनर है। अगर मार्केट में बात करें तो सबसे अच्छा जो ड्राई वैक्यूम क्लीनर है वो है फिलिप्स का पावर प्रो कॉम्पैक्ट जो कि साइक्लोन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो मैंने इसको ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका था क्योंकि मैं आपको रिव्यू देना चाहता था कि ये वैक्यूम क्लीनर एक्चुअली काम कैसे करता है। तो मैं अनबॉक्स ऑलरेडी कर चुका था, इसको यूज़ भी कर चुका हूँ, आपके लिए फिर से मैं इसको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मिलता है। तो ऊपर से दिखाना, इसमें कुछ इस टाइप से आपको बॉक्स मिलेगा। सबसे पहले आपको ये वाला एक्सटेंशंस मिलेगा जो कि कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब भी आप मोटर चालू करोगे तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो मोटर का जो पावर है वो तो सेम रहेगा, सक्शन पावर उधर से जो इधर से जो आउटपुट आएगा वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से कम आउटपुट कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर आपको कंप्लीट सक्शन पावर चाहिए 1900 वाट का तो इसको आगे कर दीजिए और थोड़ा उसे कम करते जाएंगे तो यहाँ से बाकी की एयर यहाँ से रिलीज हो जाएंगी और सक्शन पावर उतना आपको मेंटेन रहेगा जैसे आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। अंदर ये एक्सटेंशन आगे पीछे हो जाता है जिससे अगर आपको कुछ गंदगी वाली चीज़ साफ़ करना है तो आप इसको ऐसे घस घस के ऐसे साफ़ कर सकते हो और इसको आप फिर से पीछे कर दीजिए क्योंकि इसको पीछे करने के लिए, अच्छा दिखा देता हूँ पहले करके। तो सबसे पहले ये वाला मिलेगा जो कि ये प्राइमरी एक्सटेंशन है, ये सबसे पहले आपको फिट करना ही करना है इसके। अगर ये फिट नहीं करेंगे तो कोई भी एक्सटेंशन फिट नहीं होगा, चाहे ये रहे चाहे वो जितने भी रहे। तो सबसे पहले ये फिट करना है, तो ये मिलेगा है। इसके बाद आपको ये मिलेगा कुछ बंदूक जैसा ऐसे गोली मारने का, तो ये इसके आगे फिट होता है। लेकिन ये क्या रहता है कि ये बहुत थोड़ा हेवी है और अगर आपको ये अगर बढ़ाना है जैसे कि ये इतनी ही लेंथ है इसकी, अगर इसको अगर आपको लंबा करना है ऊपर से जाले वाले निकालने हैं, ऊपर कॉर्नर से छत में से कुछ निकालने हैं, इसलिए इसको क्या है कि ऐसे फिट कर देते हैं तो ये आगे तक कैसे पहुंच जाता है हाथ। तो उसके बाद में आपको ये मिलेगा और आपको ये मिलेगा। तो ये जो है ये फ्लोरिंग के लिए है, ये जो रेड कलर की जो स्ट्रिप दिख रही है
ये फ्लोरिंग से डस्ट और जो भी है ड्राई चीज़ें सक्शन करने के लिए ये चीज़ है। इस टाइप से आपको कुछ मिलेगा, यहाँ पे टर्बो बस्ट करके कुछ लिखा है और ये इसका कुछ मतलब मैकेनिज्म है। ये इस टाइप से कुछ रोल हो जाएगा और ये चीज़ भी ऐसी रोल हो जाएंगी जो कि कहीं भी अटकेंगी नहीं। तो एक तो ये मिला है और एक चीज़ ये है। तो ये क्या है, ये मैट सरफेस के लिए, मैट सरफेस दैट मीन्स ये जो दरी है इस पे ऐसे रगड़ने के लिए। तो इससे क्या होगा कि ये जो ब्रशेस है, ये ब्रशेस उसको मतलब रब्ड होते हैं और रब्ड की वजह से वो जो डस्ट जो अंदर रहता है वो और निकल जाता है। ये ब्रशेस अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये वाला पार्टीशन को ऐसा कर दीजिए, तो ये जो ब्रशेस है ये अंदर चले जाएंगे, तो फिर डायरेक्ट इसी पे आपका जो दरी है और मैट है वो इस पे रखाएगा। देखो थोड़ा गंदा हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, इसमें चक्के लगे रहते हैं इसलिए ये ऐसा हो जाता है। इसमें भी सेम वही मैकेनिज़्म है जो रोल हो जाता है और कहीं भी ये स्टक नहीं होगा। सामने से ये ब्रश है, बाकी रेड कलर की स्ट्रिप है, यहाँ से सक्शन होता है और ये चीज़ें भी डस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए है, ये चीज़ भी इसमें फिट हो जाती है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ये, उसके बाद एक ये मिलेगा, ये छोटा वाला है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो कॉर्नर की जो जगह रहती है ना, जैसे कि वो कॉर्नर की जगह हो गई या फिर ये कॉर्नर की जगह हो गई जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता, वहाँ पे ये चीज़ काम आती है। तो ये चीज़ भी इसके आगे ही लगेंगी, मैं आगे आपको असेंबल करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है। उसके बाद आपको मिलेगा ये वैक्यूम क्लीनर। तो ये है कंप्लीट वैक्यूम क्लीनर, इसको हम हटा देते हैं। कुछ मैनुअल्स मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको ऑलरेडी पता है कि इसको कैसे चलाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि इसमें चक्के दिए गए हैं, तो इसको बार बार आपको उठाना नहीं पड़ेगा, इसको आप सिंपली ऐसे उठा के कहीं भी घिस सकते हो। तो ये चीज़ बहुत इजी हो जाती है। यहाँ पे ऊपर दो बटन दी गई है, अगर टॉप में अगर देखा जाए तो ये पावर बटन है और ये केबल वाला बटन है। तो अगर मैं सबसे पहले आपको तो कंप्लीट लुक दिखा देता हूँ, ये पीछे से कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से ये गर्म हवा फेंकता है क्योंकि इसको हवा आगे से लेता है वो। यहाँ पे प्लग मिलेगा आपको, मैं प्लग निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये चक्के हैं, ये डस्टबिन चैम्बर है, ये डस्टबिन चैम्बर के बाद में ये डस्टबिन चैम्बर में ये हैंडल मिलेगा आपको। सामने ये जितने भी एक्सटेंशन आए हैं हमारे पास वो यहीं पे लग के आगे एक्सटेंड हो गए। इधर और एक चक्का है, फिलिप्स की ब्रांडिंग है और पावर प्रो कॉम्पैक्ट इस पे लिखा है, जो कि 1900 वाट की मोटर है। अगर आप इसको ऐसे भी स्टैंड कर सकते हो अगर आपके घर में जगह नहीं है तो, क्योंकि ये ऐसे भी इसको आप रख सकते हो क्योंकि इसमें हैंडल इसलिए ही दिया गया है। सामने अगर आप देखें तो इसमें एक छोटा सा चक्का दिया है जो कि एरोप्लेन लैंडिंग के टाइम में दिया जाता है ना, वैसे ही सेम। तो ये लैंड तो नहीं करेगा लेकिन ये चलने के लिए काफ़ी है। इसमें डस्ट जमा होगा आपको, और अगर इसको अगर आपको निकालना है तो ये जो बटन है ये बटन को आपको दबाना है, थोड़ा सा आवाज़ आएगा, एक आवाज़ जब आएगा जब इसको आपको ऊपर खींचना है ऐसे। ये देखो ये बाहर आ गया। इसमें देखिए इसमें फ़िल्टर लगा है ये, और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कचरा आके इधर जमा होता है। तो ये फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर में से पास होता है कचरा, और अगर आप इसको इजीली तरीके से यहाँ से उठा के खोल सकते हो तो ये जो है यहाँ पे कचरा जमा होता है, यहाँ पे कचरा जमा होता है, यहाँ पे एक्चुअली हवा आती है, यहाँ से इधर कचरा आता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ से कचरा अंदर घुसता है, और अंदर घुस के ये जो साइक्लोन टेक्नोलॉजी, इसी को साइक्लोन टेक्नोलॉजी बोलती है। यहाँ पे कचरा घूमता है, यहाँ पे कचरा घूम के ये पार्टीशन से इधर बाहर निकल जाता है, ऊपर आ जाता है इधर। तो ऐसा कुछ इसका मैकेनिज़्म रहेगा, और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसको आप निकाल सकते हो। ये फ़िल्टर बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अदर वैक्यूम क्लीनर में एक्चुअली क्या होता है कि पेपर बैग रहता है या फिर फ़िल्टर रहता है तो उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जो कि आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना कि इसको कैसे क्या हैंडल करना है, क्योंकि ये चीज़ डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ डैमेज होगी तो इसका पार्ट्स वगैरह महंगे आएंगे फिर। तो इसको लगाने के लिए सिंपली यहाँ पे रखिए और हल्का सा प्रेस कर दीजिए तो इस टाइप की आवाज़ आएंगी। प्लग को निकालने के लिए एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन दी गई है, तो ये तो अंदर करने के लिए होगी, लेकिन अगर इसको निकालना है तो इसको सिंपली यहाँ से पकड़ के खींच लीजिए, तो इतना निकल गया। जितना मैं निकाल सकता हूँ वो उतना बाहर रहेगा, ऑटोमेटिक अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप मैनुअली इसको पुश करेंगे तो नहीं जाएगा वो, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम दिया है। तो इसको आप जैसे प्रेस करेंगे ये देखिए डायरेक्ट अंदर चला जाएगा ऐसे, और अगर निकालना है तो सिंपली आप ऐसे खींच लीजिए। वायर लेंथ बहुत अच्छी है, आई थिंक कुछ 7 to 8 मीटर्स है जो कि काफ़ी है, या फिर 10 मीटर्स तक समथिंग हो सकती है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना।
मैं श्योर नहीं हूँ। इसको दबाएंगे जैसे तो ये अंदर चले जाएगा, ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये बटन डायरेक्ट पावर बटन है। अगर आप इसका वायर बहुत लंबा दूर कहीं लगा हुआ है जहाँ पे 10 मीटर के डिस्टेंस पर अगर जा नहीं सकते तो डायरेक्ट यहीं पे वैक्यूम क्लीनर को बंद और चालू कर सकते हो एट द टाइम ऑफ क्लीनिंग। तो ये तो हुआ वैक्यूम क्लीनर अपना। तो ये जो पार्टीशन हुआ, सबसे पहले ये जो पार्टीशन है वो आपको यहीं पे फंसाना है, जो कि ये प्राइमरी प्राइमरी है। ये तो मैंडेटरी है, ये तो लगना ही लगना है। उसके बाद में ये है, ये अगर आप लगाएंगे तो कॉर्नर की चीज़ें के लिए या खिड़की के बीच में जो ग्रिल रहती है उसके लिए है ये पार्टीशन। इससे आप यूज़ कर सकते हो। अगर इसका मैं साउंड अगर आपको सुनाना चाहूँ तो मैं साउंड सुना सकता हूँ, और इसकी मदद से हम कम ज़्यादा कर सकते थे। इसकी मदद से आपको साउंड का वेरिएशन थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो मैं प्लग लगाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में मैं दूसरे पार्टीशन भी, दूसरे एक्सटेंशन भी आपको अटैच करके दिखा दूँगा कि कैसे क्या अटैच होते हैं। तो ये मैंने लगा दिया और ये चालू कर दिया, ठीक है। अगर जैसे मैंने चालू किया उसके बाद में ये देखो, एक बार दबाने के बाद में ऐसा है, इसको एक बार प्रेस कीजिए आप ऐसा है। तो आपने साउंड देखा, साउंड इसका जो है अभी वो मैक्स साउंड पे था, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा खोलूंगा तो इसका साउंड थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि कुछ एयर इसमें से बाहर बाहर निकल जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली क्या है, 1900 वॉट की जो मोटर है ना, इसमें एक चीज़ का ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि यहाँ ही पे मोटर पे सेट करने का देना था कि अगर हमको सपोज 1000 वॉट का ही पावर चाहिए तो वो इसमें नहीं गई है, वो चीज़ थोड़ी बेकार है, वो चीज़ यहाँ पे दी है। लेकिन 1900 वॉट तो पूरा कंजप्शन कर रहा है वो, लेकिन अगर तुमने यहाँ से उसका अगर सक्शन पावर थोड़ा हटा भी दिया, लेकिन पावर तो उतना ही लगेगा, बिजली उतनी ही जाएगी। बस इतना है कि तुम वेस्ट एयर को यहाँ से बाहर निकाल दे रहे हो क्योंकि तुमको उतने पावर की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा इसका कॉन्स है, लेकिन प्रोज यही है कि इसमें एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ये हेवी ड्यूटी है थोड़ा सा, वारंटी बहुत अच्छी है, साइक्लोन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ये एक्सटेंशन कुछ इस टाइप का आपको लगेगा। लेकिन अगर इसके आगे मैं ये वाला एक्सटेंशन जोड़ने की अगर कोशिश करूँ तो आप कुछ इस टाइप से जोड़ सकते हो, यहाँ पे ये वाला एक्सटेंशन इस टाइप से जोड़ने के बाद में एक साउंड आएगा। वो साउंड के बाद में अगर आप इसको आगे नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि ये इससे टकरा जाएगा और ये ऊपर तक के जा सकता है ऐसे, क्योंकि ये एक एक्सटेंशन बहुत लंबा हो गया अच्छा खासा ऐसा। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। और अगर बात करूँ मैं इन इन सब की, तो इन सब को भी आप डायरेक्ट ऐसे फंसा सकते हो। अगर यहीं पे करना है क्लीन तो यहाँ पे, और अगर इसके आगे करना है तो इसके आगे भी आप फंसा सकते हो। तो इस टाइप से कुछ रहेगा, जो कि मैं आपको साउंड सुना देता हूँ इसका भी। क्योंकि आप देख सकते हो नीचे कुछ घूम नहीं रहा है जब तक आप घुमाओगे नहीं। तो ये वाला जो था ये फ्लोरिंग के लिए है, ये जो है ये फ्लोरिंग के लिए है, और जो ये वाला है ये इस मेट सरफेस के लिए, जो गद्दी के लिए, सोफे की गद्दी के लिए और बहुत सी चीज़ों में ये काम आ जाता है। तो इतना एक्सटेंशन आपको मिलेगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इतना कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने इसको यूज़ करके देखा हूँ 10 to 15 days। उसके बाद मैं ये समझ लो कि ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी है और ये एक रिव्यू वीडियो भी है। तो जिन लोगों को रिव्यू देखना था, दैट मीन्स ये एक रिव्यू वीडियो भी है। सक्शन पावर इसका बहुत अच्छा है, 1900 वॉट का मोटर है। इसके प्रोज मैं यही बताना चाहूँगा कि एक्सटेंशन काफ़ी मिलते हैं, सफिशिएंट मिलते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है। 1900 वॉट का मोटर है जो कि एक टोटली ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, वेट वैक्यूम क्लीनर नहीं है। इसको वेट में यूज़ मत करना। थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर रहता है कहीं कहीं डस्ट में वो आप सक कर सकते हो, लेकिन आप टोटली वेट में इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ये जो वारंटी है, कंप्रेंसिव वारंटी है, वो आपको कहीं ना कहीं फिर नहीं मिलेंगी अगर ख़राब होता है इन केस। तो क्वालिटी बहुत अच्छी है,
और उसके बाद में अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स सिर्फ एक ही है इसमें, यहाँ पे 1900 वॉट का जो मोटर दिया है इसमें यहीं पे सेट करने का रहना था, हमको इतना पावर नहीं चाहिए, हमको इससे कम पावर चाहिए तो हम यहाँ पे सेट करने का रहता है। अदर वैक्यूम क्लीनर्स में भी ये चीज़ आती है लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं दी गई है, यही एक कॉन्स है इसका, बाकी वैक्यूम क्लीनर बहुत ही बेस्ट है। तो दोस्तों यही कुछ था इस वीडियो में, मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया हूँ कि क्या क्या है इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में और ये कैसा चलता है, इसका साउंड क्या है, इसकी प्राइस क्या थी, मुझे 6800 में पड़ा, ये 6700 में सॉरी, और ये ओरिजिनल प्राइस इस पर लिखा है वो 10,000 का है, और अगर आप नॉर्मल डेज में भी फ्लिपकार्ट अमेजोन पर देखो तो ये 8,000 से 7,500 के बीच में वेरी होते रहता है। तो चलो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद में आई होगी, अगर आपकी कुछ क्वेरीज होगी तो मुझे कमेंट में कमेंट लिख देना, मैं आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।